24th जुलाई 1945 में मुंबई के एक घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो खाने का तेल और साथ ही साबुन बनाने का काम किया करते, इनकी कंपनी वो काम किया करती, और इनके पैदा होते ही 2 साल के अंदर अंदर देश को आजादी मिली थी। लेकिन उसी के साथ बुरी खबर ये आई थी कि देश में विभाजन होना शुरू हो गया था। देश जो था वो विभाजित होने की शुरुआत हो चुकी थी, उसमें दंगे होने लगे थे। बहुत सारे इनके लोग जो कि पाकिस्तान की ओर चले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ रहकर क्या करना है, अपने लोगों के बीच चलो। लेकिन इनके पिताजी ने अपनी कर्म भूमि बिल्कुल नहीं छोड़ी, अपनी सर जमीन को ना छोड़ते हुए यहीं पर बिजनेस करने की उन्होंने ठान के रखी थी। अपने बेटे को उन्होंने मुंबई में पढ़ाई करने दिया, और जैसे ही स्कूली पढ़ाई खत्म हुई, उन्होंने कहा कि आगे जब बिजनेस बहुत अच्छे से संभालना होगा तो स्टैनफोर्ड भेजा उन्होंने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जब भेजा, तब इन्होंने कंप्यूटर देखा और आईटी सेक्टर का इम्पोर्टेंस उसे जाकर वहां पर समझा, क्योंकि इंडिया उस समय इससे बिल्कुल ही बेखबर था। 21 साल की उम्र में जब वो वहां पर स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक दुखद खबर आई कि इनके पिताजी अब नहीं रहे, वो चल बसे हैं, और इन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा। जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिजनेस करने का सवाल ही नहीं है, तुम विदेश से पढ़ के आए हो, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी, तुम नौकरी पकड़ लो। लेकिन उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। शेयर होल्डर्स राजी नहीं थे, उन्होंने विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये लड़का 21 साल का, इसे बिजनेस के बारे में क्या समझ होगी और ये कहां से आगे ले जाएगा। इन्होंने सारे के सारे जितने भी शेयर होल्डर्स थे और कंपनी से जुड़े हुए जितने लोग थे, उनको विश्वास दिलवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं ये बिजनेस करूंगा और जरूर से करूंगा, आप मुझ पर विश्वास करें। उन्होंने फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की शुरुआत कर दी थी, सारी चीजें समझने लगे थे, और जितने भी लोग अजीम प्रेम जी से कह रहे थे कि नौकरी कर लो, वो सारे के सारे अब उनके फैन बन चुके थे। पाम ऑयल बनाने वाली कंपनी जब लाइट बल्ब्स और साथ ही हेयर केयर अन्य प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ी, तो कंपनी का कद तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही अजीम प्रेम जी का भी कद बढ़ रहा था और लोग उनका सम्मान करने लगे थे। आईटी डिपार्टमेंट में आगे फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने 1980s में अपनी कंपनी का नाम विप्रो लिमिटेड कर दिया, और साथ ही अमेरिका की एक कंपनी के साथ हाथ मिलाते हुए उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने की शुरुआत कर दी, और वहीं से कंपनी जो थी वो सबसे बड़ी देश की कंपनी बन गई। आईटी और टेक सेक्टर में उतरकर ये कंपनी में काम करने वाले ऑलमोस्ट 2 लाख लोग, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कह सकते हैं, और 90% बिजनेस जो आता वो विदेश से आता, इसका मतलब वेल्थ जनरेटर आल्सो। 1999 से लेके 2005 तक, फ्रॉम 1999 टू 2005, ये रिचेस्ट इंसान सबसे धनी व्यक्ति भी रहे, और वो हमेशा कहते हैं कि अगर विप्रो को किसी चीज ने आगे बढ़ाया है तो वो है हमारे वैल्यू सिस्टम ने। एक बार याद है एक छोटी सी कहानी अजीम प्रेम जी से जुड़ी हुई, कि वो मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग कॉफी जो थे वो आधी छोड़ देते थे, तो उन्होंने कहा कॉफी के कप को ही छोटा कर दिया जाए। इनकी कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता कि जब भी प्रिंटर पे प्रिंट आउट लेने के लिए लोग पहुंचते, तो उन्होंने वहां पर नियम बना दिया था कि पेपर की दोनों ही साइड्स यूज कर दी जाएगी। जो चीजों को इतनी वैल्यू करते हैं, वो लोगों की कितनी वैल्यू करते होंगे। उन्होंने सम्मान भी कमाया और सबसे अच्छे बॉस भी कहलाए। 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की, और भारत सरकार के साथ मिलकर एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम किया। इस पर 3500 स्कूल्स यानी कि 15 स्टेट्स में एजुकेशन का काम किया है इसी के जरिए। 2010 में जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज की शुरुआत की, तो भारत से सबसे पहले जुड़ने वाले इंसान यही थे, फिलैंथ्रोपिस्ट यही थे अजीम प्रेमजी। द गिविंग प्लेज का कहना ये था कि हम जो भी कमाते हैं उसका काफी सारा हिस्सा हम लोगों की मदद के लिए भी दान करें। 2013 में अजीम प्रेम जी ने अपनी दौलत में से 25% दान कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब दान करो तो दाएं हाथ से अगर कर रहे हो तो बाएं को भी पता ना चले, बिल्कुल वैसे। लेकिन कौन नहीं जानता कि कोविड में सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में किसी ने दान किया है तो वो अजीम प्रेम जी ने किया है लोगों की मदद के लिए। ऐसे देश के वीर, देश के धरती पुत्र को शत शत नमन वंदन है अर्चना की ओर से। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हर एम्प्लॉय को बहुत ही ज्यादा सम्मान देने वाला अगर कोई बॉस रहा है तो वो ये, वो हमेशा अपने कोट में कहते, लीडरशिप इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वर्किंग विद पीपल स्मार्टर देन यू। अपने साथ या अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इतना सम्मान देने वाला बॉस, हैट्स ऑफ टू यू। लीडरशिप के सबसे अच्छे और मैनेजमेंट के सबसे अच्छे पाठ पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार यही रखती हूँ मेरी इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। जरूर से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है।
अर्चना की ओर से सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारू छे विश्व आखुई मारू छे हाउ यू फाइंड द एंटायर वर्ल्ड इज माइन अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार 24th जुलाई 1945 में मुंबई के एक घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो खाने का तेल और साथ ही साबुन बनाने का काम किया करते, इनकी कंपनी वो काम किया करती और इनके पैदा होते ही 2 साल के अंदर अंदर देश को आजादी मिली थी। लेकिन उसी के साथ बुरी खबर ये आई थी कि देश में विभाजन होना शुरू हो गया था। देश जो था वो विभाजित होने की शुरुआत हो चुकी थी, उसमें दंगे होने लगे थे। बहुत सारे इनके लोग जो कि पाकिस्तान की ओर चले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ रहकर क्या करना है, अपने लोगों के बीच चलो। लेकिन इनके पिताजी ने अपनी कर्म भूमि बिल्कुल नहीं छोड़ी, अपनी सर जमीन को ना छोड़ते हुए यहीं पर बिजनेस करने की उन्होंने ठान के रखी थी। अपने बेटे को उन्होंने मुंबई में पढ़ाई करने दिया और जैसे ही स्कूली पढ़ाई खत्म हुई, उन्होंने कहा कि आगे जब बिजनेस बहुत अच्छे से संभालना होगा तो स्टैनफोर्ड भेजा उन्होंने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जब भेजा, तब इन्होंने कंप्यूटर देखा और आईटी सेक्टर का इम्पोर्टेंस उसे जाकर वहां पर समझा, क्योंकि इंडिया उस समय इससे बिल्कुल ही बेखबर था। 21 साल की उम्र में जब वो वहां पर स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक दुखद खबर आई कि इनके पिताजी अब नहीं रहे, वो चल बसे हैं और इन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा। जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिजनेस करने का सवाल ही नहीं है, तुम विदेश से पढ़ के आए हो, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी, तुम नौकरी पकड़ लो। लेकिन उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। शेयर होल्डर्स राजी नहीं थे, उन्होंने विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये लड़का 21 साल का, इसे बिजनेस के बारे में क्या समझ होगी और ये कहां से आगे ले जाएगा। इन्होंने सारे के सारे जितने भी शेयर होल्डर्स थे और कंपनी से जुड़े हुए जितने लोग थे, उनको विश्वास दिलवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं ये बिजनेस करूंगा और जरूर से करूंगा, आप मुझ पर विश्वास करें। उन्होंने फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की शुरुआत कर दी थी, सारी चीजें समझने लगे थे और जितने भी लोग अजीम प्रेम जी से कह रहे थे कि नौकरी कर लो, वो सारे के सारे अब उनके फैन बन चुके थे। पाम ऑयल बनाने वाली कंपनी जब लाइट बल्ब्स और साथ ही हेयर केयर अन्य प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ी, तो कंपनी का कद तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही अजीम प्रेम जी का भी कद बढ़ रहा था और लोग उनका सम्मान करने लगे थे। आईटी डिपार्टमेंट में आगे फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने 1980s में अपनी कंपनी का नाम विप्रो लिमिटेड कर दिया और साथ ही अमेरिका की एक कंपनी के साथ हाथ मिलाते हुए उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने की शुरुआत कर दी और वहीं से कंपनी जो थी वो सबसे बड़ी देश की कंपनी बन गई। आईटी और टेक सेक्टर में उतरकर ये कंपनी में काम करने वाले ऑलमोस्ट 2 लाख लोग, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कह सकते हैं, और 90% बिजनेस जो आता वो विदेश से आता, इसका मतलब वेल्थ जनरेटर आल्सो। 1999 से लेके 2005 तक, फ्रॉम 1999 टू 2005, ये रिचेस्ट इंसान सबसे धनी व्यक्ति भी रहे। और वो हमेशा कहते हैं कि अगर विप्रो को किसी चीज ने आगे बढ़ाया है तो वो है हमारे वैल्यू सिस्टम ने। एक बार याद है एक छोटी सी कहानी अजीम प्रेम जी से जुड़ी हुई, कि वो मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग कॉफी जो थे वो आधी छोड़ देते थे, तो उन्होंने कहा कॉफी के कप को ही छोटा कर दिया जाए। इनकी कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता कि जब भी प्रिंटर पे प्रिंट आउट लेने के लिए लोग पहुंचते, तो उन्होंने वहां पर नियम बना दिया था कि पेपर की दोनों ही साइड्स यूज कर दी जाएगी। जो चीजों को इतनी वैल्यू करते हैं, वो लोगों की कितनी वैल्यू करते होंगे। उन्होंने सम्मान भी कमाया और सबसे अच्छे बॉस भी कहलाए। 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की और भारत सरकार के साथ मिलकर एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम किया। इस पर 3500 स्कूल्स यानी कि 15 स्टेट्स में एजुकेशन का काम किया है इसी के जरिए। 2010 में जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज की शुरुआत की, तो भारत से सबसे पहले जुड़ने वाले इंसान यही थे, फिलैंथ्रोपिस्ट यही थे अजीम प्रेमजी। द गिविंग प्लेज का कहना ये था कि हम जो भी कमाते हैं उसका काफी सारा हिस्सा हम लोगों की मदद के लिए भी दान करें। 2013 में अजीम प्रेम जी ने अपनी दौलत में से 25% दान कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब दान करो तो दाएं हाथ से अगर कर रहे हो तो बाएं को भी पता ना चले, बिल्कुल वैसे। लेकिन कौन नहीं जानता कि कोविड में सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में किसी ने दान किया है तो वो अजीम प्रेम जी ने किया है लोगों की मदद के लिए। ऐसे देश के वीर, देश के धरती पुत्र को शत शत नमन वंदन है अर्चना की ओर से। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हर एम्प्लॉय को बहुत ही ज्यादा सम्मान देने वाला अगर कोई बॉस रहा है तो वो ये, वो हमेशा अपने कोर्ट में कहते,
लीडरशिप इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वर्किंग विद पीपल स्मार्टर देन यू। अपने साथ या अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इतना सम्मान देने वाला बॉस, हैट्स ऑफ टू यू। लीडरशिप के सबसे अच्छे और मैनेजमेंट के सबसे अच्छे पाठ पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार यही रहती हूँ मेरी इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। जरूर से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे, हाउ आर यू फाइन, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।